दोस्तों मेनोपॉज, दोस्तों ये मेनोपॉज के बारे में आपने सुना होगा कि महिलाओं में एक समस्या होती है जो एक उम्र होने के बाद पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, इसी को मेनोपॉज कहा जाता है। क्या आपने आदमी में भी मेनोपॉज की बीमारी के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि पुरुष में क्या होते हैं, मेनोपॉज क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या इसके बचाव है। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ पुरुषों में मूल मेनोपॉज होने की समस्या को दूर करने की होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों मेनोपॉज का कहने का क्या मतलब है? महिलाओं में एक ऐसी कंडीशंस आती है, एक उम्र के दौरान एक ऐसी कंडीशंस आती है जिससे उनका पीरियड जो होता है, जो मासिक होता है, वो बंद हो जाता है और इस समस्या को मेनोपॉज कहा जाता है। दोस्तों महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी ये समस्या देखने को मिलती है जिसे मेडिकल टर्म में एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल यानी एडम कहा जाता है। दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों पुरुषों में मेनोपॉज की समस्या का कारण होता है पुरुषों के जो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसका बॉडी में कम हो जाना। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष के टेस्टिकल्स यानी टेस्टिस से बनते हैं और आपके जो ब्रेन है उसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं FSH और LH, ये भी टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने में यानी निर्माण करने में मदद करते हैं। दोस्तों किसी कारणों से अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है तो आपको ये समस्या यानी कि एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल यानी कि मेनोपॉज की समस्या आने लगती है। दोस्तों ये किस एज में होती है? ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होती है और लंबे समय तक के लिए हो सकती है। ये आपको 50 से लेके 60 साल के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। कभी कभी ऐसा देखा ही जाता है कि कुछ बीमारियों के कारण भी 40 से प्लस वाले उम्र के व्यक्तियों में भी मेल मेनोपॉज की समस्या देखा जाता है। दोस्तों इसके कारण क्या है? कारण मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से ये होता है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षण में आपको ये होगा कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो क्षमता है वो कम जाएगी, टाइमिंग कम जाएगी, स्टेमिना कम जाएगी, आपको प्रजनन करने की जो क्षमता है वो कम जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मॉर्निंग डिप्रेशन हो सकता है, हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप दुबले पतले हो जाते हैं, खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी आप इकट्ठा कर लेते हैं जैसे डायबिटीज़, बीपी, शुगर, इस सब के कारण भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और आप में मेनोपॉज की समस्या दिखने लगती है। तो दोस्तों ये सब इसके सिम्टम्स है। अगर सिम्टम्स है तो इसके समाधान भी है। बिल्कुल होम्योपैथी में इसके अच्छे अच्छे मेडिसिंस है जो कि मेल मेनोपॉज को ख़त्म करने की बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा है। दोस्तों दवा के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि होम्योपैथिक दवा लेने से पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से कांटेक्ट करके ही दवा लीजिए ताकि लक्षणों के हिसाब से वो आपको दवा दे सके और आपको अच्छे से असर करे और बहुत जल्दी आप कि जिस बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं वो बीमारी ठीक हो जाए। दोस्तों अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि एंड्रोजन डिफिशियंसी में कौन कौन सी मेडिसिंस होम्योपैथी में आती है। सबसे पहले आपको अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो होम्योपैथी में टेस्टोस्टेरोन मदर टिंचर फॉर्म में आती है। इसे आप 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अश्वगंधा मदर टिंचर भी ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ 10 बूंद सुबह शाम। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए प्रॉब्लम्स है तो आप न्यूफर ल्यूटियम का यूज़ कर सकते हैं, डामियाना का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों पर जो है मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेंटल डिप्रेशन है, इसकी समस्या है तो आप इग्नेशिया अमारा 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार ले सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको हॉट फ्लशेज वगैरह आते हैं तो आप लाइकोपोडियम मोनोपोटेंसी में सप्ताह में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे मेडिसिंस हैं जो कि लक्षणों के अनुसार दी जाती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल यानी एडम या आप मेल मोनोपोज भी कह सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।